दोस्तों, आप जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालोगे, आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आज अपन देखेंगे सामान्य विज्ञान के टॉपिक, आनुवांशिक शब्दावली से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, जीवाश्म विज्ञान है। जीवाश्मों का अध्ययन, समुद्री जीवों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन या पेड़ पौधों का अध्ययन। तो इसमें अपन इसका से आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, जीवाश्म विज्ञान में क्या करते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग में स्मॉल टी दर्शाता है। जो अपन मेंडल का प्रयोग करते हैं उसमें जो अपन स्मॉल टी होता है ये क्या दर्शाता है, प्रभावी लक्षण, बोनापन, अप्रभावी लक्षण या दो या तीन, दोनों। तो इसका जो से आंसर हो जाएगा चार नंबर ऑप्शन, दो व तीन, दोनों। यानी कि जो स्मॉल टी होता है ये बोनेपन के लक्षण को भी दर्शाता है और अप्रभावी लक्षण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले सारे पौधे लंबे क्यों थे, लंबाई का लक्षण प्रभावी था, लंबाई का लक्षण अप्रभावी था, बोनेपन का लक्षण अप्रभावी था या दो या एक या एक और तीन, दोनों। तो इसका से आंसर हो जाएगा चार नंबर ऑप्शन, एक और तीन, दोनों। यानी कि जो मेंडल की प्रथम संतति वाले जो सारे पौधे थे वो लंबे थे, वो किस कारण से थे, क्योंकि लंबाई का लक्षण जो था वो प्रभावी था और बोनेपन का लक्षण अप्रभावी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, जेनेटिक्स या युग्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन, जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता क्या कहलाती है, जो जलवायु और वातावरण के प्रभाव से जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन, कायिक विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंखों एवं बालों के रंग में किस प्रकार की विभिन्नता है, आनुवांशिक विभिन्नता, कायिक विभिन्नता, द्विगुणन, इनिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, आनुवांशिक विभिन्नता। जो आंखें होती है और बालों का जो रंग होता है आनुवांशिक होता है, जेनेटिक होता है, जैसे माता पिता में रहता है वैसा ही बेटों में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाई जाने वाली किस पौधे का चयन किया, साधारण मटर, गुड़हल, गुलाब या शहतूत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, साधारण मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया, 10, 6, 5 या 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार नंबर ऑप्शन, 7 गुणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, 21 जोड़ी, 20 जोड़ी, 23 जोड़ी या 25 जोड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन, 23 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर होता है, माता से प्राप्त गुणसूत्र पर, पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर, माता और पिता दोनों से प्राप्त गुणसूत्र पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन, पिता से प्राप्त गुणसूत्रों पर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से ध्यान रखें। जो अपना लिंग निर्धारण होता है ना बच्चों का, वो किसकी वजह से होता है, पिता से प्राप्त गुणसूत्रों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल का प्रथम नियम क्या है, पृथक्करण का नियम, मेंडल ने स्वतंत्र विन्यास का नियम, जैव विकास का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, पृथक्करण का नियम, ये मेंडल का प्रथम नियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने बताया कि जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर उपस्थित सरल और कार्बनिक अणुओं से हुई है, चार्ल्स डार्विन, मेंडल, जेबीएस होल्डन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेबीएस होल्डन की तीन नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवों की उत्पत्ति किससे हुई है, अजैव पदार्थों से, प्रोटोप्लाज्म से, एक व दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, अजैव पदार्थों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंग का निर्धारण हो जाता है निषेचन से पहले, निषेचन के बाद, निषेचन के समय या भ्रूण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन, निषेचन के समय। जब निषेचन होता है उस समय गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है, उस समय लिंग का निर्धारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीव अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर पाते हैं वह जीवित रह पाते हैं, प्रकृति की यह घटना क्या कहलाती है, आनुवांशिक विभिन्नता, आनुवांशिक पुनर्योग, प्राकृतिक चयन या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 21, 23, 20 या 25? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, 23। प्रत्येक जो जनन कोशिका होती है ना उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतान का रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप किस पर निर्भर होता है, जलवायु पर, आसपास के वातावरण पर, माता पिता के रुधिर पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, माता पिता के रुधिर पर। जो माता पिता का ब्लड ग्रुप होता है उसी से संतान का ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव अपने जनक से भिन्न कैसे हो जाते हैं, आनुवांशिक उत्परिवर्तन, जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, एक और दो दोनों। इसमें पहले दो ऑप्शन है अपने पास, आनुवांशिक उत्परिवर्तन के द्वारा भी विभिन्नता देखने को मिलती है अपने को, और जलवायु और वातावरण के प्रभाव से भी विभिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप ब्लड समूह ए बी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन ए, एंटीजन बी, या एंटीजन, या एंटीजन ए बी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, एंटीजन ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वह कहलाता है अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, पुनर्योग, आनुवांशिक उत्परिवर्तन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल के प्रयोग में टी क्या दर्शाता है, कैपिटल टी, पहले अपन ने स्मॉल टी वाला क्वेश्चन देखा था जो कि अप्रभाविता और बोनेपन के लिए था, और जो टी होता है वो प्रभावी होता है और लंबाई के लिए होता है। जो अपन ने स्मॉल टी देखा था पिछले क्वेश्चन में वो तो क्या था, अप्रभाविता और बोनेपन को दर्शाता था, और जो मेंडल के प्रयोग में जो कैपिटल टी होता है वो प्रभावी लक्षण होता है और अप्रभाविता को दर्शाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, एक और दो दोनों, यानी कि प्रभावी भी होता है और अप्रभाविता लक्षण भी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पराक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं कहलाता है जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, या वृद्धि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, जनन। जीन कोश से क्या समझते हैं, कुल जीनों की संख्या एक क्रोमोसोम में, कुल जीनों की संख्या एक कोशिका में, या आबादी के संपूर्ण जीन का समुच्चय, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, कुल जीनों की संख्या एक क्रोमोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन अवस्थित होते हैं साइटोप्लाज्म में, केंद्रक में, केंद्रिका में, या राइबोसोम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, केंद्रक में। जीन होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं, केंद्रक में। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, आँखों का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, या बाल की प्रकृति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, बाल की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 2, 3, 4 या 1? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जीवाश्म, कायिकी, आनुवांशिक विभिन्नता, या जैव प्रौद्योगिकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, आनुवांशिकता तथा विभिन्नता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक विभिन्नता का मुख्य कारण है डीएनए के नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन, भौगोलिक पृथक्करण, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, डीएनए के नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन, इसी कारण आनुवांशिक विभिन्नता देखने को मिलती है। हमारे डीएनए जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक निश्चित क्रम में नाइट्रोजन क्षार जुड़े हुए होते हैं, जब उनमें परिवर्तन आ जाते हैं तो हमें बॉडी में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे, 1840 ईस्वी, 1842 ईस्वी, 1845 ईस्वी, 1847 ईस्वी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, 1847 ईस्वी। किसने मेंडल के अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि किसी ने मेंडल के अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब बहुत बड़े सन्यासी थे, ये सब डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे, या उनकी लिखावट अच्छी नहीं थी, या उनका अध्ययन गलत था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन,
सब डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे। दोस्तों ये थे आज के अपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ताकि आपके एक भी क्वेश्चन इन क्लासों से बाहर नहीं जाए। आप इन वीडियो को अच्छे से देखते हैं, एक बार में याद नहीं होती तो आप इन्हें दोबारा देख लें। थैंक यू दोस्तों।